रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना मेकअप। तो सबसे पहले आप इसकी एक ओवरऑल लुक देख सकते हैं। ये परफ्यूम्स हैं, मॉइस्चराइज़र है, तो ये इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो कि मैं अपनी किसी फंक्शन पे जाना हो या कोई पार्टी मेकअप लुक करनी हो तो उसके अंदर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिपस्टिक से। पहले मैं आपको सारे शेड्स बता देती हूँ। शेड्स में डोरा की लिपस्टिक्स हैं 281, 234, उसके बाद है 243 ये, और इसका कलर नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त, ये रेड कलर का है, जो ब्राइडल का रेड मेकअप होता है, रेड लिपस्टिक, ये वो इस्तेमाल होता है। देख सकते हैं ये बड़ा ही ज़बरदस्त रेड कलर है। उसके बाद ये 233, इसे आप कलेजी कलर भी कह सकते हैं, ब्राउन कलर भी, ये देखें डार्क ब्राउन शेड है इसका। और एक ये है 226 शेड। ये देख लें, साथ साथ मैं आपको सबके स्वाचेस करके दिखा दूंगी। ये ज़रा लाइट ब्राउन है, इसके बाद एक ये भी ब्राउन में शेड है, ये सब कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। उसके बाद एक और है, ये स्किन सा कलर है, इसको मैंने लाइट सा यहाँ पे पहले स्वॉच किया हुआ था, इसको थोड़ा मैं डार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अब सही से नज़र आ रहा है। ये हमारी मेडोरा के शेड्स हैं। उसके बाद मैं आपको बाकी भी थोड़ी गिरने लग गई हैं। उसके बाद ये हॉलीवुड की लिपस्टिक है, ये रेड कलर की, इसका ये शेड है नंबर, इसका अभी मिट गया हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा। ये डबल शेड लिपस्टिक है, रेड एंड गोल्डन सी, ये स्किन कलर की है एक। ये समटाइम लिपस्टिक के शेड्स चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये आप देख सकते होंगे इस तरह। तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ओवरऑल जो डार्क कलर्स हैं मैं आपको उनकी दिखा देती हूँ। ये शॉकिंग पिंक है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं आपको अब जो ज़्यादा मेरे कॉमन है, जिनको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मैं उनको दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सा कलर है, ये देखें, ये अब कुछ अच्छा है। ये मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त सी लिपस्टिक है, डबल शेडेड कलर है इसका भी, गोल्डन एंड ब्राउन, या आप ये इस साइड से फुल गोल्डन है और इस साइड से फुल ब्राउन है। इसका भी मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। ये देखें, गोल्डन और ब्राउन मिक्स होकर आता है ये। एक ये भी है हमारे पास शॉकिंग पिंक कलर की, फ्लोर मार की है, इसका है P317, ये भी इस कलर में है। तो अब बारी आती है आगे हाइलाइटर की। लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरा हाथ भर जाएगा इन्हें करते करते। ओके, तो अब बारी आती है ये बड़ी लिपस्टिक, ये हुदा ब्यूटी की है। ये लिपस्टिक है पर्पल शेड में, डार्क पर्पल, इसका मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ ये। और नीचे इसका ग्लॉस भी है, दिस कलर, ये बहुत ज़बरदस्त कलर है डार्क। एक ये भी है, ये मेरी ख़त्म हो गई हुई है, इसको मैं पेंसिल से यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक मेरा ये भी लिपस्टिक का है, लिप ग्लॉस है सॉरी, ये इस कलर में हुआ है, ये कलर है इसका ये। अच्छा ठीक है, अब बारी आती है आपके साथ
इन कलर्स को शेयर करने की। इन कलर्स का ये मेटालिक कलर है, शिमर कलर। इन्हें यूज़ करके आप लिपस्टिक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आई मेकअप में भी एक एज अ शिमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट स्किन कलर में है। पहले मैंने आपको कॉपर दिखाया था, ये अब सिल्वर वाइट शेड मिक्स है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब आईलाइनर है मेरे पास। आईलाइनर ये भी फ्लोर मार के हैं। ये मेरा ब्लैक आईलाइनर है, जेल आईलाइनर है, ये ब्राउन है, नहीं ये ब्लैक है, वो पहले वाला ब्राउन था। उसके बाद ये एक्वा का है केक लाइनर। वो लिपस्टिक के शेड्स के अंदर ये मेरे दो रह गए थे, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। मेडोरा के शेड है एक, ये मेरा डार्क जामनी कलर कह सकते हैं आप इसे। और उसके बाद ये एक मेरून कलर है, बहुत आउट क्लास कलर है ये भी। ये मैं इस पर फोकस करके दिखाती हूँ, ये इसका मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, M224। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है शिमर की। ये एक मेरे पास ये वाइट कलर का शिमर है, स्किन से कलर का, ये देख सकते। अब कंटोरिंग मैं ज़्यादा पाउडर वाली कंटोरिंग यूज़ करती हूँ, ये कंटोर के लिए इस्तेमाल करती हूँ ये वाली किट। देन साथ साथ इसका ब्रश भी साथ में उन्होंने सेपरेट दिया होता है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको ये वाला ब्रश। हम अक्सर ब्रशेस को इस तरह से पकड़ के उनका हम करते हैं, लेकिन इसका मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही इस शक्ल का इन्होंने ब्रश जो है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट अब बारी आती है, ये ट्रेंड जेल है, ये मेरी ख़त्म हो गई हुई है। अच्छा, बेस की बात करें तो बेस में सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए, ये फिटमी की बेस है, मैट पोरलेस है, इसका 101 है। ये बड़ी कैजुअल सी है, जब आपने कहीं बाहर जाना हो तो मार्केट वगैरह जाना हो ये तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये फिटमी की बेस है, मेबलिन काफ़ी अच्छी इसकी जो है वो कवरेज है। उसके बाद अगर मैंने किसी पार्टी मेकअप के लिए करना हो, थोड़ी हैवी बेस लगानी हो, तो फिर मैं नोट की बेस इस्तेमाल करती हूँ। इसका नंबर 1 है ये नोट, इसकी यहाँ पे एक चिट लगी होती है, वो मेरे से उतर गई थी, मैं इस तरह ही आपको नंबर बता रही हूँ। देन ये मेरे पास एक ओले की 7-in-1 भी है, ये भी कैजुअली आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये टीवी स्टिक है आइवरी की, ये शेड ये देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अंदर से आपको इसका कलर दिखा देती हूँ। ये डव का मॉइस्चराइज़र है, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइज़ अपनी स्किन को लाजमी किया करें। अब साथ साथ ये है हमारे पास कंसीलर। कंसीलर आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे, ग्लॉस फॉर्म में भी है और स्टिक में भी है ये। मैं दोनों को आपको डिफरेंस बताती हूँ। जिनकी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है उनके लिए ये स्टिक वाला कंसीलर बेस्ट रहेगा, जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है उनके लिए ग्लॉस फॉर्म में जो कंसीलर है वो ज़बरदस्त रहेगा। अब तो ज़्यादातर लिक्विड बेस में आते हैं, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनको जो है ऑयली या ग्लॉस फॉर्म का नहीं लगाना चाहिए कंसीलर। ये एक मेरे पास है, ये भी एक स्टिक की शक्ल में ही है, काफ़ी एक ये देख सकते हैं, ये इसका कलर है। ये मैं आपको यहाँ से इसका ब्रांड नेम दिखा देती हूँ, लोगो ये ठीक है। इसको अब मैं बंद करती हूँ। ये मस्कारा है मेरे पास, मस्कारा मैं काफ़ी ज़्यादा कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, स्पेशली मुझे इतना नहीं इस चीज़ का क्रेज़ कि मैं इस ब्रांड का यूज़ करूँ इसका करूँ। ये 3 मस्कारा है मेरे पास, ये भी एक मस्कारा और आईलाइनर मिक्स है, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास हाइलाइटर। हाइलाइटर ये नीचे इस तरह पाउडरी फॉर्म में ये होता है, ये आप देख सकते हैं, ये इतना यूज है, इतना रह गया है। इसके ऊपर इन्होंने एक स्पंज दिया होता है,
ये इसको आप थोड़ा इस तरह पॉप अप करें, थोड़ा उछालें तो ये स्पंज के अंदर ये लग जाता है, ये देख लें ये शाइन इसमें ये है। ओके, इसके बाद एक ये भी मेरे पास लूज़ पाउडर है, ये देख सकते हैं आप, इसका भी वही, इसका थोड़ा लाइट पिंक है, उसका थोड़ा डार्क में था, ये ज़रा लाइट कलर में है, ये भी लूज़ पाउडर है। के उसके बाद मैं आपको साथ साथ अपनी शेड्स भी दिखाती हूँ। एक ये किट है, ये नीचे से पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ इस कालो को, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये डार्क कलर, जिनको ज़्यादा डार्क कलर्स का मेकअप करना पसंद है, आई शेड्स लगाना, ये उनके लिए है। नेक्स्ट उसके बाद आता है इसकी बारी, ये शिमरी शेड्स हैं, इनमें से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, ये ग्रीन में है, कॉपर में है, सब मल्टी कलर्स हैं, पिंक ब्राउन काफ़ी ज़्यादा, ये सब कलर्स का आप देख सकते हैं। या आप आई शेड्स लगा के उसके ऊपर आप ये हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या इस तरह से निकाल के आप अपनी आईलिड के ऊपर इसको आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये भी केयर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वेंचिंग क्रीम है, आप अपने हाथों पे यूज़ कर सकते हैं मेकअप करने के लिए। नेक्स्ट अब ये एक आई मेकअप की किट है, ये मेरी बड़े फेवरेट कलर हैं क्योंकि इसमें सब डार्क कलर्स हैं, ये ब्लैक, कॉपर, मल्टी, वाइट, सब बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद अगर लाइट शेड्स की बात की जाए तो ये मेरे पास पिंक में है, पिंक, वाइट, चॉकिंग पिंक वगैरह सब इस लाइट शेड्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्किट की बारी है, मेरे अक्सर किट्स के शीशे टूट चुके होते हैं। ये सारे कलर्स हैं मेरे, ज़्यादातर थोड़े ब्राउन, कॉपर, मेरे इस तरह के ही कलर्स यूज़ होते हैं, ये देख लें ग्रीन वगैरह, ये पर्पल, इनको मैं छेड़ती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम ही नहीं है इनसे कोई। चलें, ये भी हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लशन, मेरे पास दो शेड के ब्लशन हैं, एक ये है और एक ये है, मैं दूसरा वो लाइट वाला यूज़ करती हूँ, पर ये डार्क है और इसमें आप कलर्स देखें कितने मल्टी कलर हैं, इसमें लाइट पिंक, गोल्डन एंड चॉकिंग पिंक। और ये भी इसका नीचे से इस तरह से खोलें तो जैसा मैंने अपनी कंटूरिंग किट का आपको दिखाया था, ये इसका भी इस तरह से इन्होंने नीचे एक ब्रश रखा हुआ है। के उसके बाद जो सबसे पहले मुझे दिखाना चाहिए थे, मुझे सबसे आखिर भी दिखा रही हूँ आपको, मैक का प्राइमर, ये देख लें, ये मैं मेकअप से पहले आप लाजमी यूज़ किया करें, सबसे पहले आप स्किन मॉइस्चराइज करके प्राइमर लाजमी इस्तेमाल करें। मेरे पास एक और भी किट है, इसके थोड़े से कलर ख़राब हो चुके हुए हैं, जो कुछ अवेलेबल कलर हैं इन्हें मैं लिपस्टिक का शेड चेंज करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज़ ये मेरे इतने काम के नहीं है। ओके, देन मैं अपनी परफ्यूम्स दिखाती हूँ आपको साथ साथ, ये मेरा बड़ा फेवरेट परफ्यूम है शिनाइल का, दिस वन। उसके बाद एक ये है, ये मेरा बॉडी स्प्रे है रिताज का, देन एक ये परफ्यूम है, इसका मैंने पता नहीं कहाँ पे फेंक दिया है डिब्बा, मुझे इसका नाम नहीं पता। और एक ये है, ये भी बॉडी स्प्रे है, एंड देन एक ये भी परफ्यूम है मेरा, ये दोनों एक ही ब्रांड के हैं। अगर आप बॉडी स्प्रे ये वाला यूज़ करें तो परफ्यूम भी आप इसी का यूज़ करें। एंड देन एक मॉइस्चराइजिंग लोशन भी आपको दिखा देती हूँ निविया का, जो कि आप मेकअप उतारने के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये थी मेरी आज की मेकअप वीडियो, इंशाल्लाह आपके साथ मैं इसका पार्ट टू भी लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।